हे गाइस, वेलकम टू एक्सीजेंसी एडुकेटर द यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक्सीजेंसी एडुकेटर द यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि हम लोग शुरू किए हैं इस यूट्यूब चैनल पे रीजनिंग का सेक्शन, और उसी के तहत मैं जो है आगे भी ये करा रहा हूँ आपको। आज जो मैं लाया हूँ वो आपके लिए लाया हूँ एक पजल्स का सीरीज, जो कि है आपके मेन्स के लिए। ठीक है, मेन्स के लिए पजल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, नो डाउट, बट वही पजल मैं आपको करवाऊंगा जो कि डुएबल होते हैं एग्जाम में, और एग्जाम में आपको टाइम मिलता है वो पजल बनाने को। ठीक है, बहुत लोग बहुत जगह पे आपको करवाएंगे हाई लेवल पजल, ये वो बोल के जो है ऐसे ऐसे पजल करवाएंगे जिसका कि पहला तो मतलब नहीं बनता है, और दूसरा बात है कि आपको एग्जाम में उतना टाइम नहीं मिलता है कि आपके उस तरीके के पजल बना पाओ। तो मेरे हिसाब से जो मैंने अप्रोच रखा है कि जो ड्यूएबल पजल होते हैं, जो एग्जाम में बनते हैं, मैं वही पजल, उसी टाइप के पजल्स प्रैक्टिस करूंगा और उसी को ही सॉल्व करूंगा, और एग्जाम में भी मैं टारगेट करूंगा उसी टाइप के पजल सॉल्व करने का। और वही कोशिश से मैं दो मेंस क्लियर कर चुका हूँ, और मैं आगे भी कोशिश कर रहा हूँ पीओ का भी एग्जाम दूंगा। तो उसी के तहत जो मैं आपको जो भी पजल्स यहाँ पे करवाऊंगा वो एग्जाम में डुएबल होते हैं, और आपके पास उतना टाइम ही बचता है कि आप मिसलिनियस क्वेश्चंस करके जो है वो पजल्स बना सको। और मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि मेंस के लिए, मेंस अगर क्लियर करना है तो आप पहले, सबसे पहले मिसलिनियस क्वेश्चंस टारगेट करो, और उसको जितना जल्दी हो सके सॉल्व करके आप टाइम बचाओ ताकि पजल्स एक दो बना पाओ। अगर क्लर्क मेंस क्या ले लो तो उसमें आपको बहुत सारा टाइम मिलता है बचाने को, और आप दो से तीन से चार पजल भी आप बना सकते हो, जबकि पीओ मेंस में जो होते हैं उसमें एक से दो पजल आप बना सकते हो, और वो तभी बना सकते हो अगर आप मिसेलिनियस क्वेश्चन अच्छा प्रैक्टिस करो और उसको जल्दी से खत्म कर पाओ एग्जाम में सॉल्व करके। ठीक है, तभी आप पजल्स में जा सकते हो, और मैं उसी के तहत जो पजल आपको करवाऊंगा वो सब डुएबल होंगे एग्जाम में, उसी टाइप के पजल आप बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे बिना किसी देर किए हुए। आज आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, मैंने दो पजल लिया जो कि लास्ट ईयर SBI PO मेंस में आया था। ठीक है, उसी पजल्स को मैं आज सॉल्व करूंगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा, और आगे भी मैं जो SBI क्लर्क 2021 आएंगे और उसके लिए मैं रीजनिंग का पूरा एक सीरीज लाऊंगा जिसमें कि आपको पूरे रीजनिंग सेक्शन कवर करूंगा प्री लेवल के। ठीक है, तो वो भी मैंने सोच रखा है, तो हमारे साथ बने रहिए, हमारा साथ दीजिए। मैं आपको प्री एज वेल एज मेंस के दोनों प्रैक्टिस करवाऊंगा ताकि, और उसी लेवल के क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपको एग्जाम में आप कर सको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के हुए आज का हमारा सेशन। आज का जो हमारा ये पजल है, ये देखिए, ये थोड़े से आपको कोडेड कोड वगैरह भी यहाँ पे दिख रहे होंगे। ठीक है, ये देख सकते हैं, तो ये कोडेड पजल है और इसको हम लोग अप्रोच करेंगे विथ सर्टेन नंबर। ठीक है, जो कि लास्ट ईयर आया था, तो चलिए शुरू करते हैं पजल हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आर स्टैंडिंग इन ए रो फेसिंग नॉर्थ। कुछ लोग जो कि हमको नहीं पता कितने हैं, सब एक रो पे खड़े हैं और फेसिंग नॉर्थ, सब नॉर्थ को फेस कर रहा है। ऑल ऑफ देम अर्न डिफरेंट अमाउंट, वो अलग अलग अर्निंग करते हैं अलग अलग अमाउंट। 3% आर स्टैंडिंग बिटवीन एल एंड एफ। तो चलिए अब शुरू करेंगे हम लोग पजल। दोस्तों यहाँ पे बताया गया कि सब नॉर्थ फेस कर रहे हैं और एक रो पे जो है खड़े हैं, बट मैं उसको ऐसे लीनियर सॉल्व करूंगा। ठीक है, और किस तरीके से लूंगा मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये रो सब एक रो में खड़े हैं और नॉर्थ फेस कर रहा है ना, इधर बोला है फेस कर रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको लीनियर बनाऊंगा और इधर जो है इसके राइट साइड में जो है ये नॉर्थ होगा और इसके लेफ्ट साइड में जो है ये साउथ होगा। ठीक है, ये हमेशा हमको याद रखना है। तो मैं इसको एज ए लीनियर पोर्शन में बनाऊंगा ताकि ये थोड़ा सा मेरे हिसाब से इस तरीके से बनाने से शायद इजी होगा, तो मैं इसी तरीके से अप्रोच रख रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे। 3% आर स्टैंडिंग बिटवीन एल एंड एफ। एल और एफ के बीच में तीन लोग है, तो चलिए बनाएंगे एल के बीच में तीन लोग है। ठीक है, हम लोग दो पॉसिबिलिटी लेके शुरू करेंगे। देखिए एल और एफ के बीच में तीन लोग बोला है, बट मुझे पता नहीं है कि एल पहले है या एफ पहले है, तो इसलिए हम लोग दो पॉसिबिलिटीज में बनाएंगे। ठीक है, मेंस लेवल का पजल है, आपको तीन पॉसिबिलिटी से चलना, दो पॉसिबिलिटी से शुरू करना ही होगा। ठीक है, उसके बाद ओ इज स्टैंडिंग इमीडिएटली अहेड ऑफ एल। ओ जो है मतलब जस्ट इमीडिएटली आगे है एल के, तो हम यहाँ पे जस्ट इमीडिएटली आगे ओ को बैठा देंगे। ठीक है, यहाँ पे भी ओ को हम पहले जस्ट इमीडिएट आगे बैठा लेंगे। उसके बाद बोला है क्या, पी इज स्टैंडिंग एडजेसेंट टू ए। पी जो है ओ एफ के एडजेसेंट में बैठे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे पी एफ है, तो पी यहाँ भी आ सकता है, पी यहाँ भी आ सकता है,
तो मुझे नहीं पता कहाँ पे आएगा, तो इसलिए मैंने जस्ट अभी कंडीशन लिख के रखा है। यहाँ पे भी सेम पी यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, ठीक है। तो मुझे नहीं पता, हम एक कंडीशन लिख लेंगे। उसके बाद ओनली 2% आर स्टैंडिंग बिटवीन पी एंड जेड। अच्छा, पी और जेड के बीच में दो लोग हैं, चलो ये भी हमको पता चल गया। उसके बाद जेड हु स्टैंडिंग बिहाइंड एफ, तो जेड जो है बोला है पीछे किसके है, एफ के, ठीक है। तो अब एक चीज देखिए, अब इस कंडीशन को हम सेट कर सकते हैं किस तरीके से। अगर पी और एफ साथ में बैठा है, तो मान लो पी यहां पे मैंने बैठाया, ठीक है, यहां पे, तो पी और जेड के बीच में दो लोग होना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर मैं यहां पे आगे बैठा के जेड को यहां पे दे दूं, तो यहां पे तो नहीं आ जाता, क्योंकि जेड बोला है एफ के पीछे रहेगा, तो पी तो मेरा डेफिनेटली यहां पे ही आएगा, ठीक है। पी अगर यहां पे आता है, तो जेड जो है वो इधर आ जाएगा आपके पीछे, एक दो, तो एल के जगह पे जेड आ रहा है, जो कि नहीं हो पॉसिबल हो सकता, ठीक है। तो ये मेरा कंडीशन तो गया, ये वाला कंडीशन मेरा चलेगा नहीं। तो कंडीशन इसी तरीके से आपको चेक करना होगा। उसके बाद तो फिर हम क्या कर सकते हैं, आप देखिए दूसरे वाले कंडीशन में हम देखेंगे, तो पी यहां भी बैठ सकता है, पी यहां पे भी बैठ सकता है, ठीक है, पी यहां पे भी बैठ सकता है। तो मैं इसका एक कंडीशन और क्रिएट कर लूंगा। आपका ये मेंस लेवल का पजल है, कोई दिक्कत नहीं, अगर एक एक्स्ट्रा पॉसिबिलिटी आप बनाओ, ठीक है। तो मैं पी एक बार यहाँ पे दे दूंगा, एक बार पी मैं यहाँ पे दे दूंगा। अब बोला है पी और जेड के बीच में दो लोग हैं, देखिए एफ के आगे तो जेड नहीं जा सकता, तो ये डेफिनेटली जेड जो है पीछे बैठेगा, यहाँ पे भी जो है डेफिनेटली जेड जो है ये पीछे बैठेगा, ठीक है। तो ये मेरा कंडीशन हो गया, ये मेरा कंडीशन हो गया। उसके बाद बोला है क्या, आपका ओनली 1% स्टैंडिंग बिटवीन जेड एंड जी। अच्छा, जेड और जी के बीच में एक लोग है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जेड और जी, यहाँ पे तो जी आ नहीं सकता क्योंकि एफ आ गया, तो जेड और जी के बीच में यहाँ पे मैं जी बैठा दूंगा। अब देखिए यहाँ पे भी सेम, जेड और जी की यहाँ पे तो आ नहीं सकता है ना, तो हम लोग जो है सॉरी, जेड ओनली 2% स्टैंडिंग बिटवीन पी एंड जेड। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे एक मिस्टेक मेरे से हो गया है, पी और जेड के बीच में दो लोग होगा, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा ये कर देता हूँ आपको, चलिए ये वाला मिटा देता हूँ, सॉरी। अच्छा चलो हो गया, सॉरी। तो पी और जेड के बीच में दो लोग हैं, तो मैं यहाँ पे दो लोगों को बैठा दूंगा, ठीक है, यहाँ पे, चलो ये और ये जेड, ठीक है। पी और जेड के बीच में दो लोग आ गए। अब क्या करेंगे, जेड और जी के बीच में एक लोग है, देखिए ये ऊपर वाले कंडीशन में जेड और जे के बीच में जी, तो जी तो यहाँ पे नहीं आ सकता, तो जी यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे जेड के जी यहाँ पे आ सकता है, और जेड और जी यहाँ पे आ सकता है, मुझे नहीं पता, मैं इस कंडीशन को आगे करूंगा, ठीक है। जी जी एच स्टैंडिंग एग्जैक्टली बिहाइंड जी। अच्छा, एच जो है जी के जस्ट जस्ट बिहाइंड है, देखिए। तो ये हो गया आपका एच और जी। तो इस कंडीशन में मैं इसको यहाँ पे एच को बैठा सकता हूँ, मैंने बिठा दिया। मैं आगे इस वाले कंडीशन को चेक करूंगा आगे, ठीक है। क्यू स्टैंडिंग एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। ओके, क्यू जो है वो आपका एंड में है, ठीक है, बढ़िया बात। उसके बाद क्या है बोला है, 4% आर स्टैंडिंग बिटवीन क्यू एंड के। ओके, क्यू और के बीच में चार लोग बैठे हैं, ठीक है, तो चार लोग, चलो लिख लिए। के इज स्टैंडिंग इमीडिएटली बिहाइंड एल। ओके, चलो एक डेफिनेट हमको मिल गया, ये बोला है क्या है वो, मतलब जस्ट बिहाइंड एल के है, तो हम के यहाँ पे जस्ट बिहाइंड एल में बिठा देंगे, ये यहाँ पे बिठा देंगे, ठीक है। अब देखो के और क्यू के बीच में चार लोग है, तो अगर हम यहाँ पे देंगे एक दो तीन चार, तो यहाँ पे अगर क्यू देंगे तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि हमें बोला गया क्यू एंड पे आता है, तो यहाँ पे अगर क्यू आएगा तो वो एंड पे तो नहीं आएगा, तो इसलिए डेफिनेटली क्यू हमारे आगे हो जाएगा, ठीक है। एक दो, देखिए एक दो तीन और चार, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा क्यू। सेम यहाँ पे भी आएगा एक दो तीन चार, यहाँ पे तो जगह ही नहीं है, तो फिर आगे ही आएगा एक दो एल, वो आगे है तीन और ये चार, क्यू यहाँ पे आ गया, ठीक है। चलो ये कुछ, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है,
नॉट मोर देन 14% आर स्टैंडिंग इन ए रो, मतलब जो पूरा रो बनेगा इसमें 14 से ज्यादा लोग नहीं होना चाहिए, ठीक है, 14 से ज्यादा लोग नहीं होना चाहिए, ये ध्यान में रखना है। सी इज स्टैंडिंग इमीडिएटली बिहाइंड टी, ओके, सी जो है वो टी के जस्ट बिहाइंड में है, ये याद रखना है। उसके बाद एक स्टैंडिंग बिहाइंड भी, ओके, एक्स जो है वो भी के पीछे है, ठीक है, एक स्टैंडिंग बिहाइंड बी बट अहेड ऑफ एम, लेकिन जो है एम है उसके आगे है, ठीक है, ये मुझे एक कंडीशन पूरा याद लिख लिए, ठीक है, ये अच्छा। चलो अब हम देखेंगे कि ये जी के जस्ट पीछे एच है, तो कहां पे हम सेट करेंगे इसको, देखो जी और जेड के बीच में एक लोग है, ठीक है, यहां पे तो मेरा सेट है पूरा। अब देखते हैं इसमें कितने लोग हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, यहां पे 13 लोग हो रहे हैं, ठीक है, और मेरे पास कंडीशन क्या है, मेरे पास है क्या एक, और यहां पे देखो तो मतलब एक जन ही यहां पे और आ सकता है, और अगर इस कंडीशन में देखे तो देखिए बोला क्या है, अच्छा अगर हम जी को यहां लेते हैं, ठीक है, जी को यहां लेंगे और इसके जस्ट पीछे एच बिठा देंगे, अगर इसके पीछे एच बिठा देते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए एच बिठा देंगे तो यहां पे जो है मेरे टी के जस्ट पीछे सी मैं यहां पे तो बिठा सकता हूं, लेकिन हमारे पास ये वाला कंडीशन सेट करने का जगह नहीं बचेगा। देखिए यहां पे दो ही खाली जगह है, जबकि यहां पे मेरे तीन लोग है, ठीक है, तीन लोग बचा है, इसका मतलब ये वाला कंडीशन नहीं होगा। और अगर हम लोग जी और जेड के बीच में पीछे हम जी को लेते हैं, ठीक है, देखिए ये पीछे जी को ले लिए और यहां पे एच ले लिए, तो अब देखिए कितने लोग हो जा रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, तो यहां पे 16 लोग हो जाएगा, हमको बोला गया है 14 ही लोग होने चाहिए, तो इसका मतलब ये तो यहां पे सेट नहीं हो सकता, तो डेफिनेटली मेरा ये पॉसिबिलिटी जो है मेरा सही हो जाएगा। अब देखिए टी के जस्ट पीछे सी है, दो जगह यहां पे खाली है, बाकी कहीं पे तो दो जगह खाली नहीं है, तो ये सी यहां पे हो गया और टी यहां पे हो गया, ठीक है, और मेरा ये जो है एम के आगे एक्स है और वी के पीछे एक्स है, तो मतलब मेरा डेफिनेटली एम यहां पे, एक्स यहां पे और वी यहां पे, तो इसी के साथ मेरा जो है ये तो सॉल्व हो गया, ठीक है, तो ये मेरा पूरा कट गया, है ना, ये मेरा कट गया, तो मेरा सॉल्व ये वाला हो गया, ठीक है। अब इसको चाहे आप वर्टिकली सजा लो, चाहे ऐसे जैसे हॉरिजॉन्टल जैसे है उसको रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग ये वाला जो पोर्शन है यहां तक तो मैंने सॉल्व कर लिया, ठीक है, यहां से यहां तक तो मैंने सॉल्व कर लिया। अब यहां पे देखिए द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवेन इन द अमाउंट अर्निंग बाय देम, अब यहां पे क्या दिया है कि ये लोग जो अमाउंट अर्निंग करता है उसके बारे में यहां पे दिया गया है, ठीक है, तो अब इसको हम लोग कोड ये सॉल्व करेंगे कि किस तरीके से हुआ है, तो इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं यहां पे और यहां पे मैं करूंगा, ठीक है, यहां पे थोड़ा सा ये वाला, हाँ चलो ठीक है। तो अब क्या बोला है, एस एट पी मींस एस अर्न 500 मोर देन पी, मतलब एट मतलब पी, ठीक है, यार एस हैश पी मतलब एस अर्न 1000 लेस देन पी, उसके बाद एस डॉलर पी इसका मतलब एस अर्न इक्वल टू पी, मतलब एस और पी बराबर इनकम करता है, अच्छा द अमाउंट अर्न बाय वी ऑफ देम बिलो, अब यहां पे कोड दिया गया है तो हम इसको सॉल्व करेंगे, वी एट जेड इसका मतलब क्या हुआ कि एट का मतलब होता है 500 मोर, तो वी जो है वो 500 मोर अर्न करता है, ठीक है, 500 यहां पे लिख दिए, मोर अर्न करता है किससे, नहीं जेड से, तो जेड, ठीक है, जेड देखिए कहां पे गए, जेड और जेड डॉलर एच, डॉलर का मतलब क्या है इक्वल, तो इसका मतलब जेड और एच जो है वो इक्वल अर्न करता है, तो मैं क्या करूंगा यहां पे जेड लिख दूंगा, इक्वल दे दूंगा और यहां पे मैं एच कर दूंगा, ठीक है, उसके बाद क्या है एच एट एक्स, एट का मतलब क्या हुआ 500 मोर, तो एच प्लस 500 लिखूंगा, ठीक है 500 लिख दिया, मोर किससे अर्न करता है, ये करता है आपका एक्स है, एक्स यहां पे लिख दिया, ठीक है, उसके बाद एक्स डॉलर क्यू, डॉलर का मतलब क्या हुआ है इक्वल होता है, तो यहां पे इक्वल दे दूंगा, ठीक है, और क्या है
एक्स डॉलर क्यू, तो क्यू यहां पे आ गया। उसके बाद क्या बोले, क्यू डॉलर जी, डॉलर मतलब क्या होता है, इक्वल होता है, तो यहां पे बराबर जी, ठीक है, ये हो गया आपके। उसके बाद सेकेंड एम डॉलर एफ, डॉलर का मतलब इक्वल होता है, तो एम जो है वो बराबर अर्न करता है एफ के, ठीक है, ये हो गए। उसके बाद क्या बोला है, एफ हैश जी, हैश का मतलब 1000 लेस, तो इसका मतलब जी जो है 1000 ज्यादा अर्न करता है, तो जी इधर हो जाएगा, ठीक है, 1000 ज्यादा, तो यहाँ पे 1000 प्लस जी, ठीक है, ये हो गए। एक और उसके बाद हैश, हैश का मतलब क्या होता है, 1000 लेस, तो मतलब हो जाएगा मेरा वी, ठीक है, 1000 लेस देन किससे, आपका एल से, ठीक है, तो एल प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और फिर एल जो है 1000 लेस किससे है, टी से, तो यहाँ पे 1000, ठीक है, यहाँ पे 1000 प्लस टी, ये वाला मेरा हो गया। उसके बाद टी डॉलर सी हैश ओ, डॉलर मतलब क्या होता है, इक्वल, तो टी जो है वो आपके इक्वल अर्न करता है किससे, टी से, और हैश का मतलब क्या हो गया, 1000 लेस, इसका मतलब आपका वो जो है 1000 ज्यादा अर्न करता है आपका सी से, ठीक है, चलो ये हो गया। उसके बाद एक कंडीशन और है, तो इसको थोड़ा सा मैं रब कर लूँ ऊपर वाला, क्योंकि उसका तो काम हो गया है, मैं यहाँ पे ये कंडीशन लिख दूंगा, ठीक है, और इसको थोड़ा सा इसको भी हटा देता हूँ, इसका भी काम हो गया है, ठीक है, मेरा जो जेन्युइन है वो मैं आपको सामने दे दिया है, ठीक है, चलो ये वाला है, ओके, चलो अब देखते हैं एक कंडीशन और है क्या। एफ एट के, एफ जो है वो 500 मोर रन करता है, एफ जो है वो 500 मोर अर्न करता है किससे, एफ जो है 500 मोर अर्न करता है किससे, के से, ठीक है, के से, और के एट पी, के जो है 500 मोर अर्न करता है इससे, पी से, ठीक है, ये मेरा हो गया। अब यहाँ पे बोला है व्हाट विल बी द सम ऑफ द अमाउंट अर्न बाय क्यू जेड एंड एल इफ द अमाउंट अर्न बाय एम इज 707,000। बोल रहा है क्या क्यू जेड और एल मिलके कितना कमाता है, अगर एम जो है वो 7000 कमाता है, ठीक है, तो एम देखिए कहां से अब शुरू करना है, एम कहां पे है मेरा, यहां पे है, तो एम तो मेरा समझ में आ गया, चलो एम जो है मेरा 7000 अर्न करता है, ठीक है, एम बराबर एफ, तो इसका मतलब क्या है, एफ भी मेरा 7000 अर्न करता है। उसके बाद क्या बोला है, एफ जो है वो एफ से जो है जी 1000 ज्यादा अर्न करता है, तो कितना हो जाएगा बोलिए, तो जी हो जाएगा 8000, ठीक है, समझ आ गया, होप मैं आपको समझा पा रहा हूं, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, अच्छा मुझे क्या क्या चाहिए, क्यू जेड एंड एल, अब देखिए जी तो मेरा यहाँ पे आ गया, अब मुझे जी जे जी यहाँ पे है, देखिए फर्स्ट वाले कंडीशन में जी भी है क्यू भी है और एल हमको बाद में है, ठीक है, तो पहले अगर हम यहाँ पे आते हैं बी मिल जाता है तो फिर हमको बी से यहाँ से एल मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ से, तो फिर हम यहाँ पे देखेंगे जी, जी बराबर क्यू, तो इसका मतलब क्या है, क्यू का भी जो अर्निंग है वो 8000 है, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद हम देखेंगे क्यू बराबर एक्स, तो इसका मतलब क्या है, एक्स का अर्निंग भी 8000 है, ठीक है। उसके बाद क्या है, एच जो है 500 ज्यादा एक्स से, तो सॉरी एच जो है 500 ज्यादा मतलब 8500। उसके बाद क्या है, जेड बराबर है, तो जेड कितना हो जाएगा 8500। उसके बाद V जो है 500 ज्यादा, तो मतलब V जो है वो आपका 9000 हो जाएगा, ठीक है, ये 9000 हो गया, तो मुझे V मिल गया, ठीक है, Q मिल गया, मुझे L चाहिए, अब देखिए L जो है वो 1000 ज्यादा अर्न करता है V से, तो इसका मतलब L हो जाएगा कितना 10000, ठीक है, मुझे L मिल गया, V मिल गया, कहाँ गया, V मिल गया और मुझे Q मिल गया, मुझे टोटल करना है, टोटल मेरा कितना हो जाएगा, देखिए L का हो गया 10000, ठीक है,
वी का हो गया 9000 और आपका क्यू का हो गया 8000, तो मेरा टोटल कितना हो गया, देखिए 0008 9 17 2700। यहाँ पे थोड़ा शायद मैंने कहीं मिस्टेक कर दिया, ठीक है दोस्तों। एक बार फिर से देख लूँ, M7000 एम से एम F7000 जी जो हो जाएगा आपका 8000, कहाँ पे एफ जी 1000 ज़्यादा तो 1000 8000 क्यू हो जाएगा, फिर जी 8000 एक्स 8000 एच जो है आपका 8500 8500, उसके बाद जेड भी 8500 जेड, ओहो जेड क्यू एंड एल को लेना है, सॉरी ठीक किया है, जेड क्यू एंड एल, एल जो है 1 2 3 4 जेड, सॉरी भी नहीं होगा जेड होगा, जेड का 8500 और क्यू का 8000, ठीक है। चलो 0056 और 2, तो मेरा आंसर हो जाएगा 2650, तो ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो ये हो गए, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये देखिए, यहाँ पे बोला है व्हाट विल बी द डिफरेंस अमाउंट अर्न बाय हु अर्न द हाईएस्ट एंड द वन हुम अर्न द लोएस्ट इफ एक्स अर्न 4500। तो आपको जो हाईएस्ट अर्न करता है जो लोएस्ट अर्न करना है उसके बीच का डिफरेंस निकालना है, और जबकि एक्स जो है हमारा कितना अर्न करता है 4500, ठीक है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पजल में चल जाते हैं। चलो अब ये वाले पजल को हम लोग देख लेंगे, ठीक है। इसमें क्या है, देयर आर थ्री फ्लोर्स इज ए गिवन बिल्डिंग सच ए फ्लैट, फ्लोर टू इज अबव फ्लोर वन एंड फ्लोर थ्री इज अबव फ्लोर टू। तो यहाँ पे वही बोला गया है कि नीचे से वन है, उसके ऊपर टू है, उसके ऊपर थ्री थर्ड फ्लोर है, तो हम लोग यहाँ पे बना लेंगे ये थ्री ये टू ये वन, ठीक है। उसके बाद क्या है, इन द बिल्डिंग देयर आर थ्री फ्लैट्स, ईच फ्लैट सच दैट फ्लैट ए इज इन वेस्ट ऑफ फ्लैट बी एंड विच इज इन द वेस्ट ऑफ फ्लैट सी। तो जो इसमें तीन फ्लैट है, ठीक है, जिसमें कि ए जो है वो वेस्ट में है बी के, और जो बी है वो वेस्ट में है सी के, इस तरीके से। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे ए यहाँ पे बी यहाँ पे सी, यहाँ पे ए यहाँ पे बी और यहाँ पे सी, इस तरीके से, ठीक है। इन द बिल्डिंग ईच फ्लैट ऑन ईच फ्लोर हैज एन एरिया ऑफ 250 2520। तो बोल रहा है क्या, ये एक एक बॉक्स मतलब एक एक फ्लैट है, ठीक है, और इसमें कुछ रूम्स है, और जो टोटल रूम का जो एरिया है इस फ्लैट का, एक फ्लैट का एरिया वो 2520 है, 2520 है टोटल एरिया, ठीक है। ईच फ्लैट हैज सम सर्टेन नंबर ऑफ रूम, और हर फ्लैट में जो है कुछ मतलब रूम्स है जो कि हमको नहीं पता है। नो टू फ्लैट सेम नंबर ऑफ रूम्स, बोल रहा है कि कोई भी मतलब कोई दो फ्लैट में जो है सेम नंबर का रूम नहीं होता है, मतलब हर फ्लैट में अलग अलग रूम है। द एरिया ऑफ ईच रूम ऑफ वन ऑफ द फ्लोर ऑन द ऑड नंबर फ्लोर इज 280 फीट। मतलब कोई एक ऑड नंबर फ्लोर के एक कोई एक रूम में जो है, जो एक फ्लैट है जिसका कि 280 जिसमें कि 280 फीट वाला एक एक रूम है, तो अगर एक रूम 280 फीट है तो टोटल रूम कितने हो जाते हैं, तो ये 280 से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हमको टोटल रूम मिल जाएगा, तो ये होता है आपका 9, ठीक है, 9 बार में कट जाता है ये। तो ये ही मैथमेटिकल ऑपरेशन है, जैसे हम लोग वो एरिया वाले जो पॉइंट होते हैं उसमें हम लोग करते हैं कि हमारे पास टोटल एरिया दिया हुआ है एक आपका रेक्टेंगुलर का, और उसमें जो है फ्लो टाइल बिछता है, और एक एक टाइल का जो एरिया है वो कुछ करके रहता है, तो टोटल कितने टाइल लगेगा, तो हम लोग जो एक एक टाइल का जो एरिया है उसको उससे डिवाइड देते थे टोटल एरिया को, तो हमारे पास मिल जाता है कितने टाइल लगेगा। तो सेम वहाँ पे ऐसे ही है, यहाँ पे हम टोटल जो एक रूम का एरिया है उससे डिवाइड कर दिए टोटल रूम के एरिया को, तो हमें मिल गया कि टोटल कितने रूम है। उसके बाद हमें कहा गया है, द फ्लोर हैविंग 9 रूम इज वन ऑफ द फ्लोर बिलो द फ्लोर हैविंग ईच रूम एरिया ऑफ 360 फीट। तो 360 फीट वाला रूम वाला एक एक फ्लैट है, तो टोटल कितने रूम हो गए ये हम लोग निकाल सकते हैं, तो 360 से हम लोग इसको काटेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 7, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, जो 7 रूम वाले फ्लैट है उसके नीचे 9 रूम वाले फ्लैट है, और ये जो है आपके ऑड नंबर फ्लोर पे रहता है, ठीक है, ऑड नंबर फ्लोर पे रहता है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद क्या कहा गया है,
उसके बाद कहा गया आपका द एरिया ऑफ ईच रूम ऑन फ्लोर थर्ड ऑफ फ्लैट ए इज 350 मोर देन द एरिया ऑफ ए फ्लैट हैविंग 9 रूम। तो फ्लैट थर्ड, ये फ्लैट थर्ड है, ठीक है, ये फ्लैट थर्ड है आपका, इसका जो फ्लैट ए है, तो फ्लैट ए है उसमें जो रूम है एक एक रूम वो जो है 350 ज्यादा है, किससे, जो 280 वाले रूम वाले फ्लैट है उससे 350 ज्यादा है। तो टोटल कितने हो गए, 280 और 350 को हम लोग ऐड कर देंगे, 3 और यहाँ पे 6, तो एक एक रूम का एरिया जो है वो 630 हो गया। तो अगर 630 एक रूम का एरिया है तो टोटल कितने रूम मिलेंगे यहाँ पे, हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, डिवाइड करेंगे तो हमको मिल जाएगा टोटल कितने रूम है। तो ये हो जाते हैं हमारे 4, 4 बार में ये डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे कितने हो जाएंगे, 4, यहाँ पे भी हमारे 4 हो जाएंगे। अब उसके बाद कहा गया है कि टोटल नंबर ऑफ रूम इन ऑल द फ्लैट ऑफ फ्लोर सेकेंड इज 15, मतलब ये फ्लोर सेकेंड में टोटल 3 फ्लैट का जो रूम होगा वो 15 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इसको लिख लेंगे, 15 होगा टोटल, ये तीनों फ्लैट का जो टोटल रूम होगा वो 15 होगा। नंबर ऑफ रूम इन फ्लैट सी ऑफ सेकेंड फ्लोर इज मोर देन द नंबर ऑफ रूम इन फ्लैट ए एंड सेकेंड फ्लोर बट लेस देन द नंबर ऑफ रूम इन फ्लैट बी। तो यहाँ पे बोल रहा है ये फ्लैट, ये फ्लोर सेकेंड फ्लोर का जो फ्लैट सी है, ठीक है, फ्लैट सी मतलब फ्लैट सी, तो हम सेकेंड 2 लिख देंगे सेकेंड फ्लोर और फ्लैट सी, वो ज्यादा है किससे, वो ज्यादा है आपका फ्लैट ए सेकेंड फ्लोर से, मतलब ए टू से, बट लेस देन किससे है, बी टू से, ठीक है, बी टू से कम है। अच्छा, ये कंडीशन हो गया। उसके बाद क्या कहा गया है, द फ्लैट हैविंग ईच रूम एरिया 420 फीट इज इन वेस्ट ऑफ फ्लैट हैविंग ईच रूम 252। तो बोल रहे हैं जो 420 फीट वाला रूम वाला फ्लैट है वो वेस्ट में है किसके, 250 रूम वाला जो फ्लैट है उसके वेस्ट में। तो हम लोग निकालेंगे टोटल कितने रूम बन रहे हैं, 2520, उसको डिवाइड कर देंगे 420 से, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके 6, तो यहाँ पे 6 हो गए। और उसके बाद क्या करेंगे, 252 वाला का निकालेंगे, 2520 और 252, तो ये तो सॉरी, तो ये तो आपका 10 बार में आ गया। तो इसका मतलब जो 6 रूम वाला फ्लैट है वो 10 रूम वाले फ्लैट के वेस्ट में है, ठीक है, ये हमको पता चल गया। देयर इज ओनली वन फ्लोर बिटवीन द फ्लोर हैविंग 2 रूम एंड द फ्लोर हैविंग ईच रूम एरिया 630 फीट। देखिए 630 फीट वाला जो रूम है उसके एक फ्लोर नीचे जो है 2 रूम वाला फ्लैट है। तो 630 वाला कितना हुआ था मेरा, 630 वाला हुआ था ये 4 वाला, तो मतलब बोला गया कि 4 के एक फ्लैट छोड़ के नीचे जो है 2 रूम वाला फ्लैट है। तो यहाँ पे हम लोग 2 रूम लिख देंगे। अब देखिए आप कह सकते हैं कि मैंने यहाँ पे क्यों नहीं लिखा 2 यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बोला है सेम फ्लैट में, तो सेम फ्लैट मतलब ए में ही होना चाहिए, तो इसलिए मैंने इसको सेट कर दिया, तो ये वाला कंडीशन मेरा कट गया। उसके बाद क्या कह रहा है, देयर आर ओनली वन फ्लोर बिटवीन द फ्लोर हैविंग 2 रूम, अच्छा ये वाला हो गया, द फ्लैट हैविंग ईच रूम एरिया 504, ठीक है, इज ऑन इवन नंबर फ्लोर। तो 504 फीट वाला जो फ्लैट है वो इवन नंबर फ्लोर पे है, तो टोटल कितने रूम हो जा रहे हैं, ये भी हमको कैलकुलेशन करना होगा क्योंकि उसी पे बेस्ड है 504, तो ये 5 बार में आपके कट जाते हैं, तो ये जो है आपके इवन फ्लोर पे है, ठीक है, इवन फ्लोर पे है। अब क्या कहा गया है, द फ्लोर हैविंग ईच रूम एरिया 315 जो है एरिया वाला फ्लैट है वो इमीडिएटली बिलो है 5 रूम वाले। तो यहाँ पे देखिए 5 रूम वाले तो मुझे मिल गया है, तो इसका कितना रूम बनेगा ये भी देख लेते हैं, इसका बनेगा आपका 8 बार में, तो ये 8 बार में कट गया, तो मतलब इसके इमीडिएट नीचे है 5 के 8 रूम वाले। अब देखिए पहले ये कंडीशन हम लोग सेट करेंगे, क्योंकि 5 इवन नंबर फ्लोर पे ही आ सकता है, तो इवन नंबर फ्लोर कौन सा है, ये सेकेंड फ्लोर है इवन नंबर वाला फ्लोर, तो 5 एक बार हमारे यहाँ पे बैठ जाएगा और 8 उसके नीचे, और 5 मेरा एक बार यहाँ पे बैठ जाएगा 8 उसके नीचे। अब देखिए अब मेरा ये कंडीशन तो हो गया, अब बचा ये वाला कंडीशन, एक जो 6 रूम वाला फ्लैट है वो 10 रूम वाले फ्लैट के वेस्ट में है, ठीक है, तो
यहाँ पे तो मुझे एक ही जगह दिख रही है जहां पे हम बैठा सकते हैं, वो हम यहाँ पे सेट कर देंगे, इसमें सेट कर दिए। बट यहाँ पे देखिए मेरे पास दो जगह है, एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो अगर हम इसको यहाँ पे लेते हैं, ये 6 और 10 यहाँ पे लेते हैं ना, तो यहाँ पे तो सेट नहीं हो सकता, क्योंकि अगर यहाँ पे 6 हो जाएगा और यहाँ पे अगर 10 हो जाएगा तो ये टोटल कितने 21 हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे तो ये सेट नहीं होगा, ठीक है। बट यहाँ पे मेरा 15 ही होना चाहिए, तो 6 यहाँ पे आ जाएगा, 10 यहाँ पे आ जाएगा, ये मेरे सेट हो गए। अब मेरे पास बचा क्या, मेरे पास बचा ये 7 के नीचे 9 होना चाहिए, और 9 जो है ऑड नंबर फ्लोर पे होना चाहिए, तो 7 मेरा यहाँ पे आ जाएगा और 9 मेरा यहाँ पे, 7 मेरा यहाँ पे आ जाएगा और 9 मेरा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गए मेरे। अब मेरा पास बचा क्या, देखिए यहाँ पे तो 7 और 5 12, टोटल 15 फ्लैट होने चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 3। अब ये वाले कंडीशन में और ये वाला दोनों मेरे पॉसिबिलिटी बन गए हैं, ठीक है, लगभग सेम ही है। अब देखिए यहाँ पे ये वाले कंडीशन का जो है मेन इंपॉर्टेंस है, अब देखिए मैं बताता हूँ कैसे। बोला है जो C2 वाला है वो A2 से ज्यादा है, तो ये C2 जो है ये वाला है, ठीक है, ये A2 से ज्यादा है, सही है, A2 से तो ज्यादा है, बट B2 से कम है, ठीक है, लेकिन ये B5 है, B में इसमें 5 है, इसमें 7 है, मतलब ये B2 से भी ज्यादा हो रहा है, तो मतलब ये वाला मेरा कट जाएगा, तो ये वाला मेरा जरूर सेटिस्फाइड होना चाहिए। अब देखिए C2, ये C2 है, ठीक है, ये किससे ज्यादा है, ये A2 से ज्यादा है, ये इससे ज्यादा है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, बट B2 से कम है, तो B2 कितना है 7 है और उससे कम है 5, तो ये मेरा सेटिस्फाई कर जाएगा, तो ये मेरा सॉल्व हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये सॉल्व करना था, ये मैंने आपको समझाया, इसलिए ज्यादा टाइम लगा, अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे और खुद से करेंगे इतना टाइम नहीं लगने वाला। तो ये इस तरीके के पजल जो है आप पीओ मेंस में हो चाहे क्लार्क मेंस में आप बना सकते हो, ठीक है, और ये तभी बना सकते हो जब उधर मिसलेनियस क्वेश्चन आप फास्ट बनाओगे, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ मिसलेनियस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है मेंस में, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं आपको और पजल सीरीज करवाऊंगा जिसमें कि आपको जो डुएबल पजल होते हैं और ये थोड़े से डिफरेंट होते हैं, वही पजल जो है आपको एग्जाम में भी अटेम्प्ट करने चाहिए और आपको भी ताकि समझ आए कि किस तरीके के पजल बनाने चाहिए। आप इस सीरीज को फॉलो कीजिए, आपको डेफिनेटली बहुत फायदा मिलेगा। SBI पीओ मेंस, IBPS पीओ मेंस, RRB पीओ मेंस, क्लर्क मेंस इसके बाद होगा, उसके बाद आपका RRB क्लर्क मेंस होगा, तो इसमें सारे मैं इसको कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए, कहीं पे समझना है कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, आप बहुत बहुत आपका धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।